मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली। ओम शांति। आज की तारीख है 7/9/2022 की सरदार मुरली बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न, तुम बच्चों की कौन सी गुहा रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूझते हैं। उत्तर, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण सदर्शन चक्कर धारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मुंझते हैं। नंबर दो, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है। यह भी बहुत गुहा रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। गीत, यही बहार है। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की पक्की मनाने की। यही घड़ी है जवानी से गुनगुनाने की मुस्कुराने की। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की यह मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। यह है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। यह भी तुम ही जानो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो यह ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब यह है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक चैतन्य झाड़ होना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं ना परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। दो रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हैं आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी दो भुजा वाली होती है महालक्ष्मी चार भुजा वाली होती है। परंतु यह बातें अभी तुम जानते हो आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे सो अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा है
मनुष्यों से देवता किए, देवताएं होते हैं सतयुग में, वह है देवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाते हैं, बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है, वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, कमाई नॉलेज से होती है, गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं, गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते, सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, यह भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधेरा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है, पावन दुनिया में भी नंबर वार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगी, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं परंतु उनमें भी नंबर वार है। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डिनास्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते। तुम सब जानते हो सो भी नंबर वार, राजधानी में तो नंबर वार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबर वार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं, सन्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं बाप को याद करो, कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, वह भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्कर में आते 84 जन्म लगे हैं, 100 भी सबके 84 जन्म नहीं हो सकते। इस ज्ञान के रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो, यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं, यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और बरसे को याद करना है और पढ़ना भी है, पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती, इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं,
जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण सब दर्शन चक्कर धारी हो, और कोई समझ ना सके। मनुष्य समझते हैं कि सब दर्शन चक्कर धारी तो देवताएं हैं, यह फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण सब दर्शन चक्कर धारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, यह बड़ी गुहा रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वह तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना, उनको ही मुरली कहा जाता है। बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं यह पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल ना सके। कहते भी हैं यह रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, यह तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से बरसा पाएंगे। बाकी धंपा मचाने से बरसा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना, रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर एक रुपया होती। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्न है, जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर है। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधेरे में है, तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधेरे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, बरकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी ना सके। जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे, आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। यह है गुहा ते गुहा बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्त्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ ना सको। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुहा बातें बाप सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अच्छा धन मिलता है, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वह तो पानी का सागर है, कहते हैं गंगा अनादि है। यह स्नान आदि चला आता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो
तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास बिलास करती थी, यहाँ तो डर लगता है कि डूब ना जाए, वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती, कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। तो यही बहार है, जबकि तुम कोड़ी से हीरा अथवा पति से पावन बनते हो, पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पति दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो, कुत्ते का मान कितना रखा है, बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है, तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है, भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का वर्त पैलेस है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है, और कोई जानते नहीं हैं, वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं, कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु यह बातें भूल गए हैं, शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो शिव बाबा आए हैं, वह है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी, किसको भी पता नहीं है, ना जानने के कारण गालियां देते रहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही, यह किसने कहा, श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा, श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं, तुम जो पहले पास हो ट्रांसफर होते हो वहीं पहले जन्म लेते हो, तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं जिससे रोशनी आ जाती है, कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वह देने के लिए बाबा आया है, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है, अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है, वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है, तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, देवी कुल और असुरी कुल हैं, वर्ण कहो कुल कहो बात एक ही है, ज्ञान एक ही है, कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री सब दर्शन चक्करधारी बने हो, कमल पुष्प समान पवित्र रहने का प्रसाद करने वाले हो, तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है, आखरीन 60% खुल ही जाएगी, मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे, अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख गंभीर विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए, अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है, रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है, मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं, नंबर दो,
ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है वरदान। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहाबा ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने के धन नीचे ऊपर हो जाए, बस संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुखी लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह स्लोगन। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। ओम शांति।